तो ये रहा बैट, अब हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं ये बताऊंगा कैसे इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। इसको आज हम मुकम्मल करेंगे, ठीक है। इसका ये जो छोटा पल्ला है, जो बैट का आगे वाला हिस्सा, और ये इसकी साइड टेबल है बैट की। ये व्यूवर्स आप देख रहे हैं, बैट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको डेकोरेट करना बहुत आसान है, बहुत इजीली है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका इसका बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी भाई का फर्नीचर इस तरह का है, पॉलिश वाला, उसको सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो ये मैंने आपको सारी वीडियो दिखा दी है इसकी सिंपल। तो चलो दोस्तों, आपको ये मुकम्मल करके दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। ये मैं इधर दुकान मालिक हूँ, ये मेरी दुकान है छोटी सी, अल मक्का फर्नीचर के नाम से। तो पॉलिश वाले ये मुझे बेस तैयार कर देते हैं, जैसे ये बेस तैयार हुई पड़ी है, इसको बेस बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हमने इसको डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत ईजीली है। ये मेरा शागिर्द है, ये मेरे साथ काम करवाएगा, अब्दुल्ला नाम है इसका। तो ये बहुत मेहनती है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलो इंशाल्लाह इसको आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, पहले आपने रेगमाल लेना है, ये प्रीक रेगमाल है, ठीक है। इस तरह से आपने पकड़ना है, और ये जो मैंने आपको तो बताया, इस पे आराम से लगाना है, ठीक है। रेगमाल आपने इस तरह लगाना है कि बिल्कुल ये प्लाइम हो जाए, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, इसी तरह आपने ऊपर लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने सारे बेड को लगाना है, ठीक है। पर आपने ये ख्याल रखना है कि नीचे वाला कलर ख़राब ना हो, ठीक है। तो एक कपड़ा लेना है आपने, उसके साथ जो आपने रगड़ाई की है उसकी सारी मैल उतार देनी, यानी कि सफाई कर देनी अच्छे तरीके से। जब हम इस पे एंटीक करेंगे ना, तो बिल्कुल साफ़ एंटीक होगी, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल साफ़ काम चाहिए। इसी तरह आपने बेड पे लगा लेना है सारे पे। ये देखें, ऊपर भी लगाना है, ठीक है, सारे, यानी कि कोई जगह रह ना जाए, सारे जगह पर लगाना है आपने रेगमाल। इससे वो दाना वगैरह जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एंटीक कैसे बनाते हैं। ये मिट्टी का तेल है, जितना मर्ज़ी ले ले आप। ये आयल ट्यूब है, 786 नंबर है इसका आयल ट्यूब। इन दोनों को आपने एक अलारा डब्बे में मिक्स कर लेना है। आयल ट्यूब आपने बिल्कुल दरमियानी डालनी है, यानी कि थोड़ी सी डालनी है, अगर ज़्यादा डालेंगे वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कम डालनी है, मिट्टी का तेल ज़्यादा डालना है, उससे आपकी एंटीक लाइट होगी। अब आपने एक गद्दी लेनी है, उसको इसके साथ लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। पहले जरियों में अच्छे तरीके से लगाना है, फिर ऊपर लगाना है, ठीक है। ये देखें, जैसे अब्दुल्ला किंग लगा रहा है, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल इसी तरह लगाना है आपने, हल्का हल्का सा, ताकि लाइट ठीक अच्छी लगती है। एक साफ गद्दी, आपने पास रखनी है, इससे आपकी लाइनिंग जो है वो सही डल जाएगी। ये देखें, अब ये लाइनिंग सेट कर रहा है, ये देखिए लाइनिंग बिल्कुल एक जैसी हो गई है, ठीक है। अब साथ वाली वो देखें, ज़रा लाइट है वो अच्छी नहीं लग रही, जब ये तैयार होगी ना तो बहुत ज़रा अच्छी लगेगी, ये वाली जो अभी की है हमने। इसी तरह आपने सारे बेड को लगाना है। चलो आते हैं सेंटर, ये देखें, ये जब आप लगाएंगे, पहले जो नीचे वाली जगह होती है उसको लगाना अच्छे तरीके से, फिर ऊपर वाली साइड पे लगाना है,
एंटीक सारे एक जैसी लगे। तो व्यूअर्स बिल्कुल आसान तरीका है इसका। तो इसको पहले एक साइड सीधी करनी है इसकी, एक साइड की सारी पट्टियां जो है वो सेट कर लेनी है। ये देखिए बुला कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, माशाल्लाह अभी छोटा सा है, काफ़ी समझदारी से काम कर रहा है वो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब फुल ट्रेन होगा। तो इसी तरह आपने सारे बेड को लगा लेना है, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स, ये सारे बेड को हमने एंटीक कर लिए। तो ये छोटा पल्ला आ गया, ये साइड टेबल, यानी कि सारे बेड और ड्रेसिंग की एक जैसी एंटीक हो। अच्छा तो गाइस आपने ये निशान पड़े हुए हैं साइडों पे, ये फॉर्म के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करना है इसको। ये सारे निशान आपने इस ये फॉर्म के साथ ना मिट्टी के तेल लगा के अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं भी निशान हो इसको साफ़ करके, हाँ इस तरह से। ये देखिए नीचे भी मिट्टी के साथ ना ये साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह आपने सारे बेड को साफ़ कर लेना। अब हम डिकोशेट करेंगे, काला टून जिसे कहते हैं वो लगाएंगे। इधर लगाना है, ऊपर लगाना है, साइडों पे लगाना है, इसमें लगाना है, ठीक है, डायमंड के ऊपर लगाना है। ये हमारी गन रही, ये हमारी मशीन है, ठीक है। इसमें ब्लैक टूनर डालेंगे गन में और बेड पे लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह से लगाना है, ठीक है, ज़रा तेज़ी से नहीं लगाना, इस तरह से आराम से लगाना है। अगर ज़्यादा जल्दी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से लगाना, इसी तरह आपने सारे बेड पे लगाना है। ये जो काम करते हैं ना पॉलिश करने के लिए आसान है, जो नए आदमी होंगे उसके लिए मुश्किल है। इसी तरह डायमंड के ऊपर लगा लेना है, सारे प्लास्टिक के ऊपर लगाना है। हाँ तो दोस्तों हमने ये देखे टूनर लगा लिया। इस तरह से आपने बेड को टूनर लगाना है, ठीक है। पहले आपने देखा था कितना सिंपल है, अब ये इतना डेकोरेट हो गया। अब हम इसके ऊपर ना सिल्वर रंग लगाएंगे डिको, ठीक है, यानी कि ये हाफ डिको होगा, ये पूरा बेड देखें आप। इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा सिल्वर, फॉर्म के साथ हल्का सा टच करना है इसको और आराम से लगाना शुरू कर देना है। ये देखें, इस तरह से आराम आराम से लगाना है। तो गाइस मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है, इसलिए आपको तेज़ी से लग रहा है, मैं बिल्कुल आराम से लगा रहा हूँ। तो आपने आराम से लगाना है, जल्दी में नुकसान होगा।
ये देखें इस तरह से सारे लगा लेना आपने। तो ये देखें गाइस हमारा बैग डिको हो गया। अब हम इस एंटीक को जो कच्ची है इसको पक्की करेंगे लैकर के साथ। ये देखें अब हम लैकर लगा रहे हैं, तो लैकर अब बिल्कुल ध्यान से लगाना है, अगर इसका निशान पड़ जाए तो सारा रंग ख़राब हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से, यानी कि आपकी गान फुट के फासले पे हो, ज़्यादा नज़दीक ना हो, ऐसे एंटीक ख़राब हो जाती है। तो गाइस हमारा बैट तैयार हो गया है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आया होगा। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो हमारी दुकान का नाम है अल मक्का फर्नीचर मार्ट, मेरा नाम फैसल अली है और ये नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 0307882211। अगर किसी किस्म का कोई मसला मसाल हो तो भाई आपके लिए हाज़िर है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।